ओके सो गाइस, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर खाली मिमी नहीं आई है, यहाँ पे हमारा जॉर्डन भी आया हुआ है। अभी अभी ना एक मिनट के अंदर अंदर ये देखना, अभी अभी ये गुलाटी मार के ना नीचे गिर गया। हाँ ये वो देखो, ये वो देखो, ये मैं इसको अभी मिलवाता हूँ मिमी से। अरे अरे हाँ, अरे 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 कितना एक्साइटेड है। ये देखना ये डॉग शो में आगे क्या हरकत कर रही है मिमी, गुस्सा कर रहा है। देख लो ये कौन सा कम है। Hey, yo, what's up everybody, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप सभी को मिमी से मिलवाया था, तो आज मैं लेकर चला हूँ मिमी को डॉग शो में। अंबाला में डॉग शो है, तो मैंने सोचा यार पास में ही डॉग शो हो रहा है, वी कांट मिस। एंड सबसे पहली बात जो मैंने ध्यान रखी कि आप मिमी इज़ वैक्सीनेटेड, और आप भी वैक्सीनेटेड हो तभी ऐसी जगहों पर जाएँ जहाँ पर अभी ज़्यादा गैदरिंग हो रही है, और डॉग्स को भी तभी लेकर जाए जहाँ पर ज़्यादा डॉग्स है, जब अगर आपके डॉग्स और साथ वाले डॉग्स वैक्सीनेटेड हैं। ज़्यादा समय लेते इस व्लॉग को शुरू करते हैं और बहुत फन होने वाला है गाइस। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखो गाइस, मिमी ना मेरे रूम में यहाँ पर देखो ऐसे सोई हुई है और धूप सेक रही है। धूप, इसको जादू वाली फीलिंग आ रही है धूप देख के ना। एक तो ठंड इतनी है कि धूप देख के डॉग्स को बड़ा मज़ा आ जाता है, शॉर्ट कॉटेड को तो स्पेशली। तो ये कब से यहाँ पे धूप में लेटी हुई है, तो अब इसको लेकर चलते हैं अंबाला। A few moments later. मिमी को लेकर हम पहुंच चुके हैं अंबाला डॉग शो में। ओके सो गाइस, फिलहाल अभी मिमी को अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर जो है बेसिकली जो वेन्यू है वो है एक मंडी के अंदर, और वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है ना, अल्टीमेट भीड़ लगी हुई है। अरे मिमी मिमी नो मिमी मिमी हाय, से हाय टू एवरीवन, से हाय। तो चलिए अभी इसको अंदर लेकर चलते हैं। ओके सो गाइस, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर खाली मिमी नहीं आई है, यहाँ पे हमारा जॉर्डन भी आया हुआ है। तो आज सुबह ही अमित भाई हमारे साथ हैं। अमित भाई का हमारे को फ़ोन आया था कि अंबाला डॉग शो में इसकी एंट्री करवाई है, और इसकी और साथ ही साथ जॉर्डन का एक बच्चा है, इसके नाम के बच्चे का क्या रखा था, रैम्बो, इसकी दोनों की एंट्री कराई थी। और रैम्बो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है, और जो इनकी चमन छापड़ क्लास है, और जॉर्डन सेकंड आया अपनी क्लास में। तो मतलब बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा है, और वो भी यहाँ पे, और इसी बहाने मिमी को भी मिलवा देते हैं जॉर्डन से। देखो मिमी मिमी देख रहे हो, हाँ वो देखो, ओए ओए ओए, हाँ वो देखो, ओ उसको जॉर्डन, ये अरे जॉर्डन है वो। तो ये है जॉर्डन का बच्चा। हाँ जी हाँ जी, हाँ यार देख रहे हो कितना प्यारा, बिल्कुल जैसे छोटा होता है जॉर्डन था बिल्कुल वैसे ही दिखता है अभी। हाँ भाई जॉर्डन, हाँ तो यहाँ पे डॉग्स जर्मन शेफर्ड स्पेशलिटी भी हो रहा है अंबाला के अंदर। स्पेशलिटी में भी है अभी नहीं इसका। अच्छा वाओ, ओए। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा बीगल भी है, इसको बाहर निकालना भी, थोड़ी देर तक शो में लेके जाना है इसको भी। हाँ जी हाँ बेटा, वाओ देख रहे हो, तो इधर देख रहे हो मिमी जो है ये जॉर्डन से पंगे ले रही है। ओए हाँ, ओह मिमी तू है भी, इतनी इतनी जॉर्डन से पंगे लेने के लिए। ओए मिमी आपसे पंगे ले रही है मिमी, आपसे पंगे ले रही है मिमी। हाँ इनको भी किस दिन ना जब मिमी को घर लेके जाएंगे ना तब मिलवाएंगे जॉर्डन और मिमी को। ओके सो गाइस, अभी फिलहाल बारी है, पहली बार जो है मिमी को हम किसी डॉग शो में लेके आए हैं, तो मेक श्योर जैसे हम जॉर्डन के टाइम में भी या जितने भी हम डॉग्स को अपने डॉग शो में लेके जाता हूँ मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वो जितना ज़्यादा सोशल हो सके दूसरे डॉग्स के साथ, वही ट्राई हम मिमी के साथ करेंगे। इसको और डॉग से अभी मिलवाएंगे जितने डॉग से हम कोशिश कर सकते हैं, और लेट्स सी मिमी का क्या रिएक्शन रहेगा। अगर ऐसे वन से दूर रखेंगे विल ट्राई, एंड जो थोड़े काम काम से उन सबसे मिलवाएंगे, सोशलाइज कराएंगे, जो कि इसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो आइए चलिए चलते। अरे 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 बस। ओके तो गाइस, हमारे को यहाँ पर एक हमारे नॉन सब्सक्राइबर मिले हैं, तो बेसिकली उनके पास एक बहुत प्यारा ग्रेट डेन है। अरे अरे अरे, इसकी आंखों में कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अच्छा ऐसी आंखें इसकी, भाग कर आई है ना इसकी। अच्छा अरे 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 देख रहे हो कितनी भाई ह्यूज साइज की, कितना टाइम की है? टू एंड हाफ ईयर। वाओ, तुमने अपने घर पे रखी हुई है बस ऐसे शौक से? जी। यार बड़ा बड़ा तगड़ा कुत्ता पाला है तुमने शौक से यार। हाँ मिमी, अच्छा अच्छा क्या बात है भाई, बहुत सही। हाय क्या नाम है इसका? रूबी। वाओ बहुत प्यारा डॉग है भाई तुम्हारा। गाइस तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा अमेरिकन बुली आया हुआ है, मैंने उसको देखा, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत सुंदर। अरे काटना तो नहीं भाजी, ये अंबाला से ही है, और इसको मिलवाते हैं मिमी से। अरे अरे
तो आप देख सकते हैं, देखो ये इसको मिलवा रहे हैं मिमी से, और आई होप हाँ अरे अरे बस एक इसको उसको कुछ कहना मिमी देखना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अटेंटिव होके खड़ा हो गया। हाँ मिमी मिमी अरे अरे अमेरिकन कॉकर मिमी के होश मिमी के होश उड़े हुए हैं। सभी डॉग अपने रेडी कर लो, चलो चलो चलो। ये देखना ये डॉग शो में आगे क्या हरकत कर रहे हैं। मिमी मिमी एक तो ना इसको बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स की आवाजें सुन रही है, उसकी वजह से ये हो रही है परेशान। हाँ डिस्ट्रैक्ट, ये देखना बिल्कुल गंदी हो गई है। क्या मिमी सारा सारे कपड़े गंदे कर लिए इसने। ये देखो अपनी लीश पकड़नी है इसको ऐसे। हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब लीश पकड़ के क्या होगा। ये देखो ये देखो, छोड़ दो छोड़ो अभी अभी ना एक मिनट के अंदर अंदर ये देखना अभी अभी ये ना ऐसे गुलाटी मार के ना नीचे गिर जाएगा। हाँ ये वो देखो, ये वो देखो, देखा आपने खुद को, इसको शौक है पता नहीं, इसको चलते फिरते ना ऐसे गिरने का शौक है, चलते फिरते कहीं भी ऐसे उल्टे पलट के मार के गिर जाती है। देखो देखो फिर से मिस कर दिया, फिर से मिस कर दिया, ऐसे कड़ी कड़ी ना ये नीचे गिर जाती है, इसको पता नहीं क्या इस चीज। वो देखो बोलो उसके पीछे पागल हो गए। तो अभी मिलवाते हैं इसको ना यहाँ पर, आपने मेरे पहले भी कई बार पाजी को वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे पूडल्स आए हुए हैं। पूडल्स बहुत कम लोगों को वीडियो में देखने मिलते हैं, हमने स्पेशल इनकी वीडियो भी कवर कर रही है, वो करेंगे जल्दी। और अभी मैं आपको पूडल से मिलवाता हूँ उनसे, और साथ साथ मिमी को भी उनसे मिलवाता हूँ। तो गाइस पाजी को आपने पहचान लिया होगा, इनको पहले भी आपने हमारे साथ वीडियोज़ में देखा है। तो इस बार कौन कौन से डॉग लेके आए पाजी? ओके तो ये तो आपका टॉय पॉम है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये है इनका टॉय पॉम। अरे वाह बहुत ही प्यारा टॉय पॉम है। उसके बाद है इनका पूडल, क्या बात है, ये भी वो दूसरा भी पूडल है राइट? दोनों पूडल है, एक पर्पल कलर में आप देख सकते हैं और एक जो है ब्लैक कलर में। और वो पीछे वाला कौन है? बिशन फ्राइज। ये एक नई ब्रीड है, लास्ट टाइम भी आपको मैंने दिखाया था। इसका यहाँ पे देखो नेम भी लिख रखा है और यहाँ पे नंबर तक दिया हुआ है, और इनका पाजी का आप कार्ड देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर। ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे, सारी इजीली आपको डिटेल मिल जाएगी। ये अभी जीत के आई है क्या कुछ? वाओ ये देख रहे हो, इसके लिए यहाँ पे ट्रॉफीज भी पड़ी है गाइस। वाओ क्या बात है, ये बहुत रेयर ब्रीड है अभी तो इंडिया में है ना पाजी, ये अभी बहुत ज़्यादा रेयर ब्रीड है। और बाकी हम अब बहुत जल्दी हम पाजी के साथ एक वीडियो बनाते हैं पाजी स्पेशल ना आपके डॉग के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रहा हूँ और पर मौका नहीं बन पा रहा, बट आज हमने पाजी से टाइम ले लिया वीडियो के अंदर ही, अभी मुकर नहीं सकते हमारे से। सही बात है ना भाई? वाओ तो मैं इनमें से कोई सारे कोई अग्रेसिव तो नहीं मिलवाऊँ इसको किसी को, इससे मिलवाते ना पूडल से। ओके गाइस यहाँ पर एक बहुत प्यारी पाजी के साथ ही जो है आए हुए हैं यहाँ पे, एक टॉय पॉम की जो है बहुत प्यारी फीमेल है। कितनी एज होगी पाजी इसकी? 9 months से, सिर्फ 9 months। यार बहुत प्यारी, ये देखो आपको दिखाता हूँ ना मैं, ओरिजिनल काटते तो नहीं है ना, छोटे छोटे काटते ही बहुत तेज है। ये है पाजी, आप देख सकते हो स्टैंडर्ड देख रहे हो, मतलब क्वालिटी ऑफ ब्रीड बहुत परफेक्ट, बहुत प्यारी। और ये मैं इसको भी मिलवाता हूँ मिम्मी से। अरे अरे हाँ डर तो नहीं लग रहा, दोनों के दोनों डर गई। ये तो वैसे भी एज में इससे बड़ी है, ये तो बहुत छोटी है अभी। हाँ हाँ जी गुस्सा कर रहा है देख रहा हूँ, ये कौन सा कम है उछल उछल के। ओके सर यहाँ पर एक बहुत प्यारा अमेरिकन बुली आया, क्या नाम है पाजी इसका? ग्लो। अरे 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 इसको मिलवाते हैं। हाँ ये इसकी सेम प्रजाति से है, मुझे लगा ये अग्रेसिव होगा पर ये नहीं है। मेरी काम डॉग। कहाँ से हो पाजी आप? ब्राडा से। अच्छा वेरी काम डॉग। अरे अरे बस बहुत प्यारा एक चाचा भी आया हुआ है इनके पास, एक बहुत प्यारा ये कौन सा टॉय पॉम है पाजी? वाह यार बहुत ही प्यारा टॉय पॉम का पप्पी भी है। अंबाला से पाजी आप? अंबाला से। वाह क्या बात है यार, बहुत प्यारा डॉग है आपका। आज हम मिम्मी को मिलवाते हैं, ये कितना एक्साइटेड है। अरे 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 कितना एक्साइटेड है। बस। ओके गाइस तो यहाँ पर जो है मैं आपको, अरे 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 देखो ये देखो मैं इसकी हरकतों की बात कर रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे को एक तो फ्रेंच बुलडॉग है और दो अमेरिकन बुली मिले हैं। एक इनमें से जो है स्पाइस का बच्चा है, ये स्पाइस का बच्चा है। स्पाइस तो आपने पहले वीडियोस में देखा ही हुआ है, जसकीरत पाजी वाला, ये उसका बच्चा है। और कितनी एज का है? ये हो गया सर 15 months का है। और ये फ्रेंच बुलडॉग है ना, ये 2 ईयर
ये टू ईयर, ये तीसरे वाला ये बड़ा खतरनाक लग रहा है। ये ढाई ईयर का हुआ। ढाई साल का है सर। वाओ बहुत है। कहाँ के रहने वाले भाजी आप? सर विलेज सलोथा। अच्छा अच्छा, कहाँ पे पड़ता है, किस रेडी में? ये पंजाब में। एग्जैक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या है? मोहाली। मोहाली में। अच्छा है, तो हमारे यहाँ कहने वाले हैं पास में। तो इसने किसने जीता है इनमें से तीनों में? सिम्बा ने। सिम्बा ने क्या बता, क्या 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 बॉल जीता इसने? बेस्ट ऑफ ब्रीड। अभी तीसरा राउंड लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पाजी, कांग्रेचुलेशन। और बाकी आपका कोई नंबर वंबर कोई बताए? हाँ जी हाँ जी, 8288918099। क्या बात है, तो आप इनको इनमें से किसी भी चीज़ का, अगर आपको कोई डॉग्स के बारे में कुछ क्वेरी है, आप इनको जरूर मैसेज किया, कॉल कीजिएगा। थैंक यू। तो गाइस विद दैट करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। मीमी की एक बहुत अच्छी आउटिंग हो गई, मेरी बहुत अच्छी आउटिंग हो गई। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ऐसे मीमी के आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मेक श्योर मीमी को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। बाय। मुझे भी इंस्टाग्राम पे। बाय।